धरातल पर क्या काम हुए वो हम आपको दिखाने के लिए आज कैमला गांव में पहुंचे हैं। हमारे तो सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली और तो क्या मत राशन कार्ड भी कट गया जी, 1.5 सालों के तक के खाना राशन कार्ड में नहीं। यहाँ पर दीवार भी नहीं है इनकी, ये जो साथ में दीवार देख रहे हो ना बर्तन टंगे हुए हैं, ये दीवार भी पड़ोसियों की है। मैं भी दिहाड़ी करूंगी आपका दिखता भी नहीं, फिर भी जाऊंगी तो अपने बच्चे अपना टाइम पास कर रहे, मना कोई सुविधा नहीं मिली सरकार में दादी, कुछ भी सुविधा नहीं मानी। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आपको बता दे कि इस समय गरोंडा के कैमला में मौजूद है। आपको बता दे कि जो मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, वो बहुत सी योजनाएं चला रही है। आपने मोदी जी की मन की बात जरूर सुनी होगी, मोदी की गारंटी जरूर देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको धरातल की तस्वीरें दिखाने के लिए लाए हैं। आपको बता दें कि धरातल पर उन योजनाओं का ये लाभ मिल रहा है। आप देख सकते हैं धरातल पर क्या काम हुए हैं वो हम आपको दिखाने के लिए आज कैमला गांव में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जो परिवार है यहां पर बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। किचन आप देख सकते हैं, यहीं पर इनकी किचन है और यहीं पर इनका घर है, ये देख सकते हैं यहीं पर ये रहते हैं और यहीं पर इनकी किचन है। जो परिवार वाले हैं उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं और एक बार छत की तरफ देख लीजिए कि जो छत है वो कड़ियों वाली है, कब ढह जाए कब गिर जाए कुछ नहीं पता। ये देख सकते हैं कि कड़ियां भी जो है वो टूटने लगी है। एक बार जो यहाँ पर मौजूद है परिवार वाले मौजूद है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी आपका घर है ये? हमारा घर है जी। अच्छा हाँ जी, कड़ी भी टूटी पड़ी देखो जी, उस साइड से भी कभी भी गिर सकता है नीचे जी, और उस साइड से भी देखो जी कोई सुविधा नहीं मिल रही। कितने सालों से रह रहे हो आप यहाँ पर? 25 सालों के जी रहने। बरसातें के दिनों में कैसे रहते हैं? बरसात के दिनों में जी पूरे घर में अपने बर्तन रखते हैं जी और फिर बाहर खिला देते हैं। अच्छा ये देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है नीचे चला गया फर्श। हाँ चला गया जी, नीचे बहुत गंदा रहता है। क्या सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है? उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिले आपको? नहीं जी कुछ नहीं मिला जी। मिला नहीं आपको? कुछ नहीं मिला। राशन कार्ड बना हुआ है जी? माना तो राशन कार्ड भी कटा हुआ है जी, 1.5 सालों के माता राशन कार्ड भी नहीं है, बहुत धक्के खाए कोई सुनाई नहीं हुई सर। तो आप गांव के सरपंच से नहीं मिलते जाके? नहीं जी, गांव के सरपंच से बोलते हैं हमारे तो कोई उसमें है नहीं, ये हम कैसे करवाएं जी, सरकार का रूल है, सरकार कराएगी, ऑनलाइन सिस्टम हो रहे ये ऑनलाइन, हम लोगों ने गरीबा ना कौन रहा देवा जी। आवास योजना के तहत सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी, आपकी जो है छत पक्की नहीं हुई, आपने कोई फार्म नहीं भरा? नहीं जी मना कोई बता नहीं जी, एक जगह भरे थे जी, मना कुछ आया ही कोई, फोटो खींच कर लेके सारा काम था जी, मर तक किसी ने कुछ नहीं दिया, और तो कह हम तो सरपंच भी मर तक कुछ देना जी। बिल्कुल गरीबों तक जो है सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दीवारें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दीवार भी नहीं है इनकी, ये जो साथ में दीवार देख रहे हो ना बर्तन टंगे हुए हैं, ये दीवार भी पड़ोसियों की है, और इधर देखिए दीवारों के अंदर भी दरारें आ चुकी है। आखिर जो आवास योजना का लाभ है वो किसको मिल रहा है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुविधा नहीं है जी, राम बरसाम तो अपने बच्चे अपना टाइम पास कर रहे, मना कोई सुविधा नहीं मिली सरकार में दादी, कुछ भी सुविधा नहीं मानी। अगर कुछ हो जाता है आपको, छत गिर जाती है, तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई जिम्मेदार नहीं जी, कौन करेगा गरीब आदमी की रक्षा? गरीब आदमी के हम तो मोदी के सारे पड़े, मोदी भी नहीं मारे तो कुछ कर रहे हैं यहाँ तक। ये क्या, ये गिरने लगी है? हाँ जी गिरने लगी है, देखिए इधर रंधे भी कौन है, थोड़ा बस अंदर रखे थोड़ा भी नहीं गिरने रहे, ये देखिए पंखे लगाने की जगह कौन है जी, ये देख ले। तो बरसातों के दिनों में कैसे रहते हो, कड़िया भी टूटने लग रही है? बैठे रहे दिन अपने बच्चे खड़ा जावा जी, मर तो कुआड़ भी कौन देख ले। अगर दरवाजे की बात करें तो दरवाजे भी आप देख सकते हैं कैसे हैं, चौखटे आप देख सकते हैं टूटने लगे हैं चौखटे भी, और किस तरह से जो है गरीब लोग हैं और किस तरह से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ये परिवार है और किस तरह से जान को जोखिम में डालकर रह रहा है। आपको बता दें कि इनके जो मकान है वो जर्जर हालात में है। क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं करो, दिहाड़ी मजदूरी करूंगी। अच्छा हाँ, आप क्या करते हैं? मैं भी दिहाड़ी करूंगी, आपका दिखता भी नहीं, फिर भी जाऊंगी। परिवार में कितने लोग हैं? 4 बालक है जी, 2 लड़के 2 लड़के जी, यहाँ नहीं है जी ब्याल तो, ये बड़ी लड़की है जी। सारे कितने मेंबर हैं? 6 जी। 6 मेंबर? हाँ जी। इतने छोटे से घर में 6 मेंबर रहते हैं? क्या करना जी, रहना पड़ा, एडजस्टमेंट करना पड़ता है जी, क्या करा। बच्चे पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, जावा जी स्कूल में, जावा कोई 5वीं में कोई 6ठी में कोई 10वीं में, ये लड़की ने 10वीं में जी, मैं तो कोई सुविधा नहीं जी। आपको किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला जी? मन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला जी, हमारे तो सरकार की कोई सुविधा नहीं मिली। और तो क्या जी, माता राशन कार्ड भी कट गया जी, 1.5 सालों के तक खाना राशन कार्ड भी नहीं, दुनिया तेल चीनी मिले मन तो भी नहीं मिलता जी, ना जो मोल लेंगे तो खाएंगे नहीं तो जी।
धरातल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से गरीबों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है। राशन कार्ड बना हुआ था, एक डेढ़ साल हो गया, वो भी कट गया। आपको बता दें कच्ची छत है, वो पक्की भी नहीं हुई है और छत जो है गायब होने वाली है। जर्जर हालात में जो है इनके मकान है, अगर गिर जाए, ढह जाए या कुछ हो जाए परिवार वालों को तो कौन जिम्मेवार होगा? आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गाँव और आपके शहर का क्या हाल है, और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और हमसे कॉल कीजिए, हम आपकी समस्याएं जो है वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।